नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर जी के फॉर ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज 14 मार्च 2018 को महान वैज्ञानिक एवं भौतिक शास्त्री और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डिटेल से डिस्कशन करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में और उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं विज्ञान के क्षेत्र में। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। महान भौतिक वैज्ञानिक और ब्लैक होल का रहस्य बताने वाले स्टीफन हॉकिंग का 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। 1963 में 21 वर्ष की आयु में मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी के शिकार होने वाले हॉकिंग ने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके जीवन परिचय के बारे में डिस्कशन करते हैं। वर्ष 1942 में 8 जनवरी को स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 8 जनवरी को ही जो है गैलीलियो का निधन हुआ था। लगभग 100 साल, 300 साल पहले 8 जनवरी को ही गैलीलियो का निधन हो गया था। उसी दिन इनका जन्म हुआ था। किनका? स्टीफन हॉकिंग का, 8 जनवरी 1942 को। वर्ष 1959 में वो नेचुरल साइंस की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुँचे। इसके बाद कैम्ब्रिज में पीएचडी के लिए गए। वर्ष 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टीफन हॉकिंग ने कॉस्मोलॉजी में रिसर्च शुरू की। 1963 में उन्हें पता चला कि वो मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी से पीड़ित हैं और ऐसा कहा गया कि वो महज 2 साल ही जी पाएंगे। वर्ष 1974 में महज 32 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इस प्रकार उन्होंने जो है डॉक्टरों ने कहा था कि आप ओनली 2 ईयर्स जी पाएंगे, तो उन्होंने इस सब को झुठलाते हुए आत्मविश्वास की और विल पावर को बढ़ाकर वह जो है 76 वर्ष की लंबी उम्र को पाए और उन्होंने सब को झुठला दिया डॉक्टरों के जो कहा गया था। उनका जो पूरा शरीर जो है निष्क्रिय हो गया था, ओनली चेहरा वही सक्रिय था और कुछ फिंगर्स जो थे उनके हाथ के वो भी सक्रिय थे बस। और ना उनको बात करना आती थी ना कुछ, मतलब एक प्रकार से जो व्हील चेयर पे स्टेबल थे। और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। साल 1988 में उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आई, जिसकी 1 करोड़ प्रतियां बिकी। वर्ष 2014 में उनके जीवन पर द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पिक्चर बनी, जिसमें एडी रेडमैन ने हॉकिंग का किरदार अदा किया है। वर्ष 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्टीफन हॉकिंग को मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा, अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ सम्मान। स्टीफन हॉकिंग की बिग बैंग थ्योरी को डिस्कशन करते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास उन्होंने किया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। स्टीफन हॉकिंग ने इस सिद्धांत को समझाया था। इस थ्योरी सिद्धांत के अनुसार करीब 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटे हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड कभी सघन रहा होगा। हालांकि इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। हॉकिंग ब्रह्मांड की रचना को एक स्वतः स्फूर्त घटना मानते थे। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजक न्यूटन मानते थे कि इसे सृष्टि का अवश्य ही कोई रचयिता होगा, अन्यथा इतनी जटिल रचना पैदा नहीं हो सकती। वहीं हॉकिंग ने टीवी शो स्टार टॉक पर बताया कि बिग बैंग के पहले आखिर क्या हुआ करता था। उन्होंने इस दौरान बताया था कि वो जितना आसान था उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। उनके अनुसार बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। हॉकिंग ने कहा था कि आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम के अनुसार के साथ मिलकर दुनिया में स्पेस और समय का कभी ना रुकने वाला चक्र बनाया है, लेकिन सच में वो बिल्कुल सपाट नहीं है, बल्कि ऊर्जा और भौतिक पदार्थ के दबाव के कारण ये आपस में घुमा हुआ है। यही वजह है कि इसे समझ पाना आसान नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि बिग बैंग के पहले समय का भी अस्तित्व तो नहीं था। बिग बैंग के पहले
की दुनिया को लेकर स्टीफन हॉकिंग ने एक काफ़ी नया विचार रखा है जो इसे चौंकाने वाला है। उनका कहना था कि बिग बैंग के पहले टाइम यानी समय का कोई भी अस्तित्व तो नहीं था। वो कहते हैं कि आइंस्टाइन के सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय संसार में मौजूद सभी भौतिक पदार्थ और ऊर्जा बहुत छोटी जगह पर केंद्रित थी, लेकिन उनकी यह थ्योरी बिग बैंग के पहले और बाद की कंडीशन के बीच कोई गणितीय लिंक नहीं बताती। इस प्रकार से महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद महान वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया 14 मार्च 2018 को। उनकी पुस्तक इम्पोर्टेंट है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उनका निधन जो 14 मार्च 2018 को हुआ है, इसी दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो है निधन हुआ था, इसी दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने सापेक्षता की सिद्धांत की खोज की थी। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 14 मार्च को ही सापेक्षता रिलेटिविटी सिद्धांत की खोज की थी और दिया था, और उसी दिन इनका जो है निधन हुआ 14 मार्च 2018 को। जन्म जो हुआ था गैलीलियो के निधन के दिन ही उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942 को। इस प्रकार से उनके बारे में मैंने कुछ आपको जानकारी बताई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के।